दोस्तों को टेस्टी विद संतोष में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे आप सभी के लिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक कप मूंग की दाल ले ली है, इससे हमने ओवरनाइट फुला दिया था। ये अच्छे से फूल गई है। ये देखिए एक बार इस तरह से हम दाल के लिए चेक कर लेते हैं। ये देखो टूट रही है, इसे हमें अच्छे से गलाना है। एक दो बार इसे हम धुल लेते हैं, इसका ये गंदा पानी है ये सारा निकल जाएगा। ये हमने दाल को अच्छे से धुल लिया। ये हमने एक ग्राइंडर ले लिया है, इसमें ये दाल को हम डाल देते हैं, इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगती है आपको तो आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें। ये हमने इसमें दाल डाल दी है। ये हमने हरी मिर्च ले ली है चार, वो इसमें डाल देते हैं। और इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये हमारी दाल अच्छे से इसका पेस्ट बन गया है। ये देखिए इस तरह से ये हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं पेस्ट के लिए। और इसकी बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, टेस्टी भी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। एक बार आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। आप बच्चों के लंच में भी इस तरह से बनाकर रेसिपी ये रख सकते हैं, झटपट बनने वाली है। और बेल आइकन का बटन दिया गया है वो दबा दें, जिससे हमारी रेसिपी आप तक नहीं पहुँच पाएँ। और रेड कलर का बटन है वो दबा दें, वो बिल्कुल फ्री है। ये हमने इसका पेस्ट कर लिया है दाल का। इसमें हम कुछ मसाले मिला लेते हैं। इसमें हम नमक डाल देते हैं टेस्ट के अनुसार, जैसा आप खाते हैं कमी आ जाए तो वो कर सकते हैं। ये हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देते हैं ये कलर के लिए। ऑलरेडी हमने इसमें हरी मिर्च पीस ली है, आप कम खाते हैं तो ना डालें। और ये हमने ऑरिगेनो ले लिया है, वो इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा, और आधा चम्मच अमचूर पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसका बैटर तैयार हो गया है इस तरह से। हमें इसका ज़्यादा ना पतला चाहिए ना गाढ़ा, इस तरह से चाहिए। एक बार इस तरह से चेक कर लें। अगर आप इसमें प्याज डालना चाहते हैं तो आप प्याज डाल लें, और भी सब्जी कुछ डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। हमने ये सादा ही बनाया है। दाल का पेस्ट बना लिया है। और ये हमने एक ब्रेड का पैकेट ले लिया है, और ये चीज़, जो भी आपके पास चीज़ है वो ले सकते हैं। ये हमने तवा रख दिया है गर्म होने, इस पर ऑयल या बटर या घी जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो इसमें लगा सकते हैं। हमने इस पर ऑयल लगा दिया है। ऑयल को अच्छे से इसे तवे को ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से। ये हमने दाल का पेस्ट ले लिया, और ये ब्रेड इसमें ये डिप करके दाल में, और ये हम इस तरह से रख देते हैं तवे पर। और इसे थोड़ी सी दाल और रख देते हैं, बहुत हेल्दी नाश्ता हो जाएगा ये, और बच्चों को पसंद भी आएगा। इस तरह से बच्चे दाल भी खा लेते हैं। और एक ब्रेड के लिए और रख देते हैं इसी तरह से। इसका भी हम दाल डाल देते हैं थोड़ी, और इसे सिकने देते हैं दोनों तरफ से अच्छे से। ये एक तरफ से गए, इन्हें हम पलट लेते हैं, और बहुत ईजी पलट भी जाते हैं, टूटते भी नहीं, ये बिल्कुल नहीं टूटा है। इसी तरह हम इसे भी पलट लेते हैं, और इन्हें भी सिकने देते हैं एक तरफ से। एक तरफ से सिक गए हैं। आप सुबह में ये बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं, और नाश्ते में जिस समय आपको बनाना पसंद करो उस समय आप बना सकते हैं। और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी ये। इसमें चीज़ वगैरह डालते हैं, और सब्जी आप जो भी डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। हमने ये सादा ही बनाए हैं। इसे हम दूसरी तरफ से भी पलट देते हैं। ये देखो कितना अच्छा इसका कलर आया है, और इसलिए दूसरे को भी, और इसे हम अभी और सेकने देते हैं। ये हमने चीज़ ले ली है, इस
को इसके ऊपर हम ग्रेट कर देते हैं इस तरह से। एक क्यूब्स ले लिया है, अगर आपके पास स्लाइस वाली बॉल्स तो आप ऐसे ही रख सकते हैं। ये अच्छे से इस पर मेल्ट भी हो जाएगी, ये इसमें पिज्जा का भी टेस्ट आएगा और हमारे बच्चे दाल भी खा लेते हैं इस तरह से। ये चीज को हम थोड़ा सा इस पर मेल्ट होने देते हैं, थोड़ी कवर कर दें 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए, इसे हम चेक कर लेते हैं। चीज हमारी अच्छे से ये मेल्ट हो गई है। ये हमारा नाश्ता बन के तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा बना है। इसे हम बीच में से ही कट कर देते हैं, इससे बच्चों को खाने में आसानी हो जाए। ये हमारा नाश्ता मूंग की दाल का और ब्रेड का और चीज़ का हमारा तैयार है। और ये हमने सॉस के साथ सर्व करा है। आप ग्रीन चटनी भी आप ले सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो पर।